तो फाइनली हमने इसके लिए ये कागज ले लिया है जिसपे कि हमने पहले से ही इसका डायग्राम बना रखा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। तो हम इसे कट करते हैं और उसके बाद इस वाले पेपर पे इसे बनाते हैं। स्टील का बर्तन ले लिया है, इस पर रखेंगे और निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा गोला सर्कल बना लिया है और हम इसे कट करेंगे। तो हमने इसे अलग कर लिया है और अब इसे थोड़ा सा अच्छे से सेट दे देते हैं इस लाइनिंग के। फाइनली फटाफट से निशान लगाते हैं, जहाँ जहाँ पे ये वाली लाइनिंग है वहाँ पे निशान लगाते हैं। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। तो फाइनल ये तैयार है हमारा। तो अब इसे भी कट करते हैं और यहाँ यहाँ पे हम लोग इस पर टाइम्स लिख देते हैं। यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देख सकते हैं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बारी है इसे कट करने की, तो हम इसे फटाफट से कट कर लेते हैं। तो फाइनल ये बन चुका है। अब इसके इस कागज़ पर पूरा घड़ी का शेप दे दिया है और अब बारी है इसे ट्राई करने की। तो हम धूप में ही खड़े हैं तो यहाँ पे इसे रखते हैं। वीडियोस के अंदर बताया जाता है कि 12 को नॉर्थ डायरेक्शन में रखने पर यहाँ पे ये करेक्ट टाइम बताता है। तो फाइनली हमने नॉर्थ डायरेक्शन में इसे रख दिया है और अब इसके ऊपर इस कलम को लगाते हैं। फाइनली हमने इसे यहाँ पर सेट कर दिया है और यहाँ पे इस घड़ी में जो है 12 बज रहे हैं इस समय। और हम यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पर मोबाइल के अंदर भी 12:12 हो रहे हैं और यहाँ पे भी आप टाइम देख सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे ये जो घड़ी हमारी 12 से 2 के बीच में सिर्फ टाइम सही बताती है, उसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये टाइम सही बताती है या फिर नहीं। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखते हैं कि आगे जाने पर इसके अंदर टाइम बदलता है या फिर नहीं। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे आप इसकी डायरेक्शन हमने नहीं चेंज किया और ये वाला निशान यहाँ से यहाँ आ गया। और इस समय हम टाइम देख लेते हैं 12:23। एकदम राइट टाइम तो नहीं बताता है लेकिन इससे आपको अंदाज़ा मिल सकता है। इसे इस समय यहाँ होना चाहिए लेकिन ये यहाँ पर है, तो ये एकदम परफेक्ट टाइम नहीं बता पाता है। आप देख सकते हैं, एक अंदाज़ा दे सकता है आपको। तो फाइनली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।